बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू दी संडे व्लॉग। कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। और हमारे पांच गैलरी भाई, मतलब के टायर भाई, आपकी तबीयत क्या हुआ? आपकी यूट्यूब पे पोस्ट देखी, आपको ग्रिप लग रही है, आपको क्या हुआ आप ज़रूर बताइएगा। जब आपकी तबीयत ठीक हो जाए तो जब आप लाइव आइएगा। और लाइव आना भी इतना आसान नहीं है, इतनी देर में लैपटॉप के या कंप्यूटर के आगे बैठना पड़ता है, आपको मेरे सर में दर्द होता है, और फिर जो है इतनी दिमाग और इतना बोलना भी पड़ता है, हैंडल करना पड़ता है, सबके सवाल जवाब भी देने पड़ते हैं, और जिसमें बैड कमेंट्स भी आते हैं, इंसान डिहाइड्रेट भी होता है, हार्ट अटैक भी होता है, सब कुछ होता है। हम समझ सकते हैं आपकी प्रॉब्लम, मतलब अब आपको सेहत से काम लाता फिर तंदुरुस्ती से या मेरी ज़िंदगी जल्दी से आप ठीक हो जाए। और आपको ट्रिप भी लगी है ज़रूर बताइएगा। तो जी, संडे व्लॉग का हमने आगाज़ कर दिया है, और आज कुछ खास था क्योंकि कल हमने हलीम बनाया था, खाने में वो था, खाना भी कुछ नहीं बनाना था, तो आज खाने की भी छुट्टी थी और खाना वाना सब रखा हुआ था। इतने लोग ही नहीं होते घर पर खाने वाले, तो इतना खाना होता है तो दो दिन तो चले जाता है मस्ट। उसके बाद बस संडे था, तो आज संडे को आपको पता है नाश्ता हो रहा था। अच्छा, कल तो सबने कर लिया था, मैं ज़रा देर से करी थी, तो कल हलीम था, तो उसके साथ जो ये तंदूरी रोटी थी मैं इसको अपने लिए फ्राई कर रही थी। हलीम के साथ भी तंदूरी रोटी, मतलब मैं तंदूरी रोटी से हलीम खाती हूँ। एक हलीम, एक पाए, एक हड्डी वड्डी का सालन और एक निहारी, ये चीज़ें मैं तंदूरी रोटी से खाती हूँ बाहर की। अच्छा, तो मैं अपने लिए नाश्ता बनाने लगी थी, तवे पे मैंने घी डाल दिया था, गर्म हो गया था, थोड़ा सा पानी में डिपा। अच्छा, बहुत सारे लोग ना पानी वाली नहीं खाते, मैं पानी वाली खाती हूँ, मुझे मज़े की लगती है, नरम मुलायम होती है। अच्छा, उसके दूसरे बराबर में चाय बनानी थी अपने लिए, और फिर मैं ब्रेड वॉश करके रख रही हूँ, और हमने मैं अपनी बेबी डॉल के लिए भी नाश्ता बनाया था। दूसरी तरफ मैं फ्राई कर घी गर्म होने रख दिया था, आपका अंदर मैं अपनी बेबी डॉल के लिए बनाने लगी हूँ। और मेरी बेबी डॉल नाश्ता करेगी और मैं रोटी और चाय खाऊँगी। अच्छा, संडे को ज़रा हमारा स्पेशल नाश्ता भी होता है, मतलब कि चेंज होता है कुछ ना कुछ ना, तो उसमें जो है हम क्या कहते हैं, अब हम संडे को हम कभी आलू कटनियाँ बना लेते हैं फ्राई, या कभी हम जो है अंडा टमाटर बनाते हैं, अंडा का पुदीना बनाते हैं, या ऑमलेट होता है, या आलू ग्रेवी होती है। मेन बस हर संडे को तो ऐसा स्पेशल नाश्ता होता है, कभी कबाब होते हैं नाश्ते में, डिफरेंट डिफरेंट होता है हर संडे को, लेकिन पराठे तो मस्त होते हैं। और डेली रूटीन में तो स्लाइस है, ब्रेड, बटर और अंडा यानी फ्राई, और उसके अलावा जो क्या कहते हैं जैसे नाश्ता करता हूँ, मगर स्पेशली संडे वाले दिन नाश्ता अच्छा करते हैं, अच्छे से मेरी इन्वॉल्वमेंट करते हैं नाश्ता, अलहमदिल्ला हर दिन अच्छे करते रहते, एक्स्ट्रा भी कर लेते हैं कुछ। तो जी बस काम कोई था नहीं, बस कल थोड़ा थक भी बहुत गए थे, वगैरह करने का काफ़ी टाइम खड़ा लेना पड़ा, मेरे हस्बैंड ने बड़ा साथ दिया था, हमारे साथ भी काफ़ी दिया था, लेकिन छोटा था जी। नाश्ता रेडी हो चुका है, देखिए डॉल के लिए आलू है, आलू में ना बताया था आलू की कतलियाँ बनाते हैं, तली हुई रोटी है और चाय है और अंडा है, और हमने मेरी डॉल का अब नाश्ता करके झाड़ू लगाने के लिए आ गई थी, क्योंकि संडे है, आपको पता है मैट की छुट्टी होती है मासी वगैरह की। अच्छा, ये बाहर का व्यू मैं आपको दिखा रही थी, अभी सुबह तक साढ़े दस का टाइम है, तो लोग सो रहे हैं, हमारा नाश्ता भी हो गया, हमारे घर की सफाई भी हो गई, मतलब सफाई की तैयारी हो गई। ये बराबर में हमारे घर बन रहा है, जिसका मैं आगे से फ्रंट हिस्सा दिखाती हूँ, ये पीछे उसका बैक हिस्सा है, तो बस इसमें हमें कलर वलर होगा, ये इसकी डिज़ाइनिंग थी, इतनी अच्छी लग रही थी, मैं सब आपको दिखाऊँगा। गैलरी में खड़ी हुई हूँ, मैं झाड़ू लगाने लगी हूँ, क्योंकि झाड़ू की वैसे इतनी कोई नींद नहीं थी, लेकिन वो जो नाश्ता वगैरह करते हैं ना थोड़ा तो गंदा हो जाता है, खाने में यही चीज़ें गिरती हैं ना, तो अब क्योंकि आपको पता है बच्चे जिस घर में छोटे बच्चे हों तो वो घर में मतलब गंदा हो ही जाता है, तो
फर्श भी से मार्बल का इधर एक जगह जैसे घर में मारा यूँ छलन करके सफाई हो जाती है। तो ये मेरे देवर का कमरा था, मैं इसको सफाई करने लगी थी और जल्दी जल्दी मैं यहाँ से झाड़ू निकाल के फिर मैं दूसरे रूम में जाऊँगी। अच्छा मैं पंखा ऑन करने गई थी, पंखा ऑन था तो फिर जो है ना पंखा बंद करने चले गए थे झाड़ू निकाल के। और अच्छा आप सुनाए, आप लोग सब कैसे हैं, उम्मीद करते हो सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। अच्छा मैं ना अभी कैमरा छाया हूँ लेकिन कहीं ना मेरे कैमरा में फेस या मेरी तस्वीर या पिक्स वगैरह आ जाती है। बस यार मैं कैमरा छाया इसलिए हूँ ना क्योंकि अभी मेरे साथ होंगी, ज़्यादातर लोगों को नहीं पता कि मैं यूट्यूब पे हूँ, तो वो लोग भी देखेंगे तो वो ये लोगों को तो वक्त पता है, लोगों का काम होता है कि वो बजाय अप्रिशिएट करने की बातें बनाते हैं। हालांकि इतना कोई मसला नहीं है, इतना कोई इशू नहीं है काम करने में, लेकिन फिर भी जो है ना मैं थोड़ा एहतियात करती हूँ। और अब तो पैर हो गई थी, सफाई वगैरह मैंने कर ली थी, मैं अपना मास्क पढ़ के जहर की से पारा पढ़ने लगी थी थोड़ा, तो काफ़ी दिल आज परेशान सा था, रास्ता सा क्या था, बस संडे था, सन्नाटा सन्नाटा हो रहा था। अब मैंने दिखा दिया आपको घड़ी कि 2:10 है, और मैंने नमाज पढ़ ली थी जोहर की और अपने थोड़ा सा इसे पारा पढ़ने लगी थी, इसे पारा मुझे ख़त्म करना था। 29वां से पारा है, इसको मैंने निफ्स तक पढ़ लिया था, अरबा और निफ्स, अब इसको मैं सिलासा था और उसके बाद फाइनली इसको ख़त्म करके याद रखूँगी। तो बस उसके अलावा आज मैंने कुछ भी नहीं किया था, मेरी संडे की यही रूटीन थी, बस काम भी मैंने आपको बता दिया और कुछ भी नहीं है आज कुछ खास काम नहीं था। ये मैं कुछ जुजदान दिखा रही हूँ, ये कुरान पाक मेरे जहेज का है, मतलब मेरी शादी में आया, ये मम्मी ने दिया है मेरी, और ये मेरी पप्पो ने बनाया है। आप यकीन करें मेरे पप्पो का इंतकाल भी हो गया लेकिन बस उनकी ये याद है। मेरी पप्पो ऐसे काम बहुत अच्छे कर रही हूँ, अच्छा यहाँ पर डोल मेरे साथ ही बैठी हुई चीज़ खा रही है बंटी, और मैं से पारा पड़ गई थी, तो जब भी मैं पारा पाक लगी बैठती